मास्क लगाए हो भाई सब लोग? देख रहे हैं पहले क्या सर बात है, छिप जाएगा लिटाए फोटो बना लेना जरूर, तीन चार फोटो खींच लेना उसको मेरा सलाम दे रहा है। घटना का खुलासा हुआ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में हम लोग उस केस का खुलासा करने में सफल हुए। इस चोरी से संबंधित कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अन्य अभियुक्त शेष रह गए हैं जिनके लिए दबिश दी गई है, टीम बना करके भेजी गई थी, अभी सफलता तो नहीं मिल पाई है लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। ये कुल कहाँ से सामान चोरी किए थे और कहाँ पर इनका संरक्षण था, कुल कितने लोग हैं इसमें? ये जियारत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। इस ग्रुप में कई चोर हैं, कई सदस्य हैं, 3 गिरफ्तार हुए हैं और अभी कई सदस्य बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इस मामले में दशानंद जूना अखाड़े के किसी केयरटेकर का भी नाम आ रहा है, क्या वो गिरफ्तार हुआ है या उसकी अभी कार्रवाई चल रही है? नहीं, उसके बारे में तो क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि अखाड़े के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन त्रिवेणी संगम मार्ग पर एक जगह वो रहता था रमाकांत, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है और वही जो है इन चोरों से मिल करके चोरी के सामान को कुछ प्राप्त करता था, कुछ छिपाने का काम करता था। कितने का सामान बरामद हुआ है और कितने की चोरी हुई थी? चोरी के लिए तो थोड़ा सा विरोधाभास है जरूर, वादी ने जो बताया है उसमें शुरू से लेकर के अंत तक वो काफी अलग अलग समय पर अलग अलग रकम की बात बताए कि ज़्यादा आनुपातिक अंतर होता चला गया, लेकिन जो बरामदगी हुई है अच्छी खासी बरामदगी हुई है और कुछ जो शेष रह गई है उसकी भी बरामदगी हम कर लेंगे।